हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस सीयूईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 जून को। तो इसका एग्ज़ाम जो है 8 जून को हुआ था। इसी के क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो एनटी के द्वारा जो प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ की गई थी, तो उसमें एनटी का कौन कौन सा आंसर है जो करेक्ट है और कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को डाउट है। तो थोड़ा हम लोगों ने समय लिया क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम जो था थोड़ा सा पास्ट ईयर से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आया था, लेकिन 100% थोड़ा चेकअप करने के बाद जो है अब हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लें। इसमें हम लोग क्वेश्चन आईडी बोलते चले जाएंगे। हो सकता है सीरियल नंबर जो है अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग होता है, तो सीरियल नंबर जो है वो वेरी कर सकता है। ये जो आपका सीरियल नंबर है ये वेरी कर सकता है, तो इसीलिए जो है ये हम लोग सिर्फ पार्ट भी पॉलिटिकल साइंस का ही डिस्कस करेंगे। तो सीरियल नंबर वेरी करेगा, इसलिए क्वेश्चन आईडी जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आईडी जो है यहाँ पे 26 का है, लास्ट का है 356। तो 356 का जो ऑप्शन है वो 83, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो सब हम लोग क्विकली जो है क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते चले जाएंगे। अभी जो है क्वेश्चन पेपर पे नहीं जाते, क्वेश्चन पेपर को सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 27 है, ये एमसीक्यू टाइप 79। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को डाउट है, जो एनटी के द्वारा जो ऑप्शन दिया गया आंसर एनटी के द्वारा 3 दिया गया है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। ऑप्शन आईडी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्ड सोशलिस्ट थ्योरी। तो इसका जो क्वेश्चन आईडी है 314 और इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है 813, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन आईडी जो है ये है आपका 381 और इसका जो एनटी के द्वारा जो 831 का जो एनटी के द्वारा ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3, तो ये भी आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें थोड़ा सा डाउट है, जो एनटी के द्वारा जो जो आंसर दिया गया है ये आपका डाउटफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, क्वेश्चन आईडी 336 और इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, माइकल कोहेन। अभी हम लोग क्विकली जो क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो डिस्कस करते चले जा रहे हैं, सो दैट जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है आप लोग इसको मैच करा सकें। और जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए जो है जनवरी अगस्त से क्लासेज जो है स्टार्ट हो रही है, तो आप इस नंबर पर 8448878849 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 330 क्वेश्चन आईडी जो लास्ट का 330, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है आपका 377 का भी जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है 099, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 950, यानी ऑप्शन नंबर 2, 950। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है 958, यानी ऑप्शन आईडी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन आईडी देखते चले जाइएगा, आईडी के अनुसार से आप जो है अपना क्वेश्चन वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 986, ऑप्शन आईडी 2, ये करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो है आपका 048, यानी ऑप्शन आईडी 4, फोर नंबर इसका करेक्ट है। जो क्वेश्चन आईडी है 347, करेक्ट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट अगेन है 087, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है, ठीक है। फिर है 049, तो ऑप्शन नंबर 1। फिर है आपका 187 जो है वो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। इसका जो क्वेश्चन आईडी है 9209067374, इसमें थोड़ा सा डाउट है कि इसका जो करेक्ट आंसर है जो यहाँ पे लिस्टेड आउट जो एनटीए के द्वारा दिया गया है वो इनकरेक्ट लग रहा है, तो उसको जो है हम लोगों ने कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसको मार्क नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 113। जो जो एनटी के द्वारा ये सारे जो ऑप्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये एनटी के द्वारा दिया गया है और ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो आप लोग को ये चैलेंज करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन से आपके अनुसार से इनकरेक्ट है, तो सबसे पहले हम लोग करेक्ट देख लेते हैं, फिर आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इनकरेक्ट हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 119 हम लोगों ने कर लिया। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है ये अगेन जो है डाउट वाला है। हु एम द फॉलोइंग से प्रेजेंटर होप्स स्टेट ऑफ नेचर एज ए सोसाइटी ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड कॉम्पिटेटिव इंडिविजुअल, तो ये किसके द्वारा ये दिया गया था, ये क्वेश्चन आईडी अगेन ये डाउटफुल है। जो एनटीए के द्वारा जो ऑप्शन दिया गया है वो डाउटफुल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, या फिर यहाँ क्वेश्चन आईडी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 373 लास्ट का जो आईडी है, तो 7373 का ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट है, 152। नेक्स्ट जो करेक्ट ऑप्शन है 017, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये है आपका 928 यानी ऑप्शन नंबर 4। जो क्वेश्चन आईडी है जिसका लास्ट का जो 3 डिजिट है 317, उसका ऑप्शन नंबर 4 जो एनटी के द्वारा है ये सही दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो है 996, इसका भी अगेन ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 070, ये ऑप्शन नंबर 2 जो दिया गया है ये करेक्ट है। फिर है आपका 147, तो ये क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है 902, ये हम लोगों ने कर लिया आपका 147, ठीक है। अब 147 के बाद 366, तो इसका जो ऑप्शन आईडी है 2366 आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाता है 51, तो इसका जो ऑप्शन है 4 वो ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4 वो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसका आईडी है आपका 367, तो 367 का ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका करेक्ट है, ठीक है, 125। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 140, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 जो एनटीए के द्वारा जो दिया गया है ये करेक्ट है। 54 क्वेश्चन नंबर अगेन जो है ये डाउटफुल है, इन द सेंस की हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हाउ मेनी टाइम्स द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स वे सेंसर्ड, ठीक है। तो डाउटफुल इन द सेंस की वी ट्राई टू फाइंड इट आउट लेकिन वी कैन नॉट गेट अ कंक्लूसिव आंसर फॉर इट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, तो आप लोग भी अपना चेक करते चले जाइए कि हाँ कौन कौन सा करेक्ट है कौन कौन सा इनकरेक्ट है। 079, ठीक है। इसके बाद है आपका 907, सो 907 यानी ऑप्शन आईडी 3। फिर है आपका 107, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 अगेन ऑप्शन नंबर 3 गिवन बाय एनटीए इज करेक्ट। फिर है नेक्स्ट है 090, तो ये ऑप्शन आईडी 2 इज करेक्ट। फिर है 939, तो ये अगेन ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फिर है 964, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।
फिर है आपका 060 अगेन, ऑप्शन नंबर 4, 179 नेक्स्ट है, 179 ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो आप सिर्फ क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी वेरीफाई करते चले जाइए। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है 025 यानी ऑप्शन नंबर 1, फिर 929 अगेन ऑप्शन नंबर 1, और नेक्स्ट है 133 अगेन ऑप्शन नंबर 1, नेक्स्ट है आपका 030 ऑप्शन नंबर 2, नेक्स्ट है आपका 911 ऑप्शन नंबर 3, नेक्स्ट है 973 ऑप्शन नंबर 1, नेक्स्ट है 195 इस मैच द फॉलोइंग का 195 ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो है दो दो ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन यहाँ पे जो एंटी के द्वारा दिया गया है ये आपका 1 दिया गया है, 129 ठीक है। इसमें देखिए एक चीज़ तो ये सही है कि आपका ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट का स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। सो इसमें आप अपने डिस्क्रिशनरी यूज़ कीजिए। फिर इसका जो ऑप्शन नंबर 911 यानी ऑप्शन आईडी 3 दिस इज करेक्ट, 923 अगेन ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन जो आपका है वह 113 यानी ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। फिर 073 अगेन ऑप्शन नंबर 1, नेक्स्ट आ जाता है आपका 065 ऑप्शन नंबर 1। जो 76 है, क्वेश्चन नंबर 76, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये है 2, जो एनटी के लिए द्वारा दिया गया है वो है 2, लेकिन इसमें भी अगेन हम लोगों को थोड़ा सा डाउट है ठीक है। सो फ्रॉम बीइंग टू हैविंग होलिज्म यहाँ पे जो दिया गया है और प्लस ये है तो ठीक है, चलिए ग्रीन आइडियोलॉजी में इकोलॉजी आ जाता है, आपका सस्टेनेबिलिटी दिया जाता है, लेकिन इन दोनों को जो है आप निगेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन पे डाउट है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 023 आपका ऑप्शन नंबर 3, नेक्स्ट है 919 सो अगेन ऑप्शन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन का है 039 अगेन ऑप्शन नंबर 3, नेक्स्ट है आपका 189 ऑप्शन नंबर 1, है 942 ऑप्शन नंबर 2, है आपका 157 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो 157 ऑप्शन नंबर 1, फिर 010 ऑप्शन नंबर 2। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 9353 जो एनटी के द्वारा दिया गया है वो सही है ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये 041 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फिर आ जाते हैं 000 यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। फिर आ जाते हैं 970 ये ऑप्शन करेक्ट है 2 ठीक है। फिर आ जाते हैं इसका है आपका 161 ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फिर है 007 3 ठीक है। फिर आ जाते हैं 112 ऑप्शन नंबर 4,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। फिर है 945, सो 945 अगेन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट गिवन बाय एनटी इज करेक्ट। फिर है 982, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। फिर है 967, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फिर है 104, ऑप्शन नंबर 4 इज अगेन करेक्ट। फिर है 035, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फिर है आपका 197, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 170, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगेन इज 094, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एंड अगेन 014, ऑप्शन 2। सो यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, जो एनटीए के द्वारा जो करेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं उसको डिस्कस हम लोगों ने कर दिया कि कौन कौन सा कही है। अराउंड 6-7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा डाउट है, जिसमें जो एनटीए के ऑप्शंस दिए गए हैं वो करेक्ट नहीं है। सो हम लोग के एंड से इन सारे क्वेश्चंस को चैलेंज किया गया है, लेकिन आपको भी लगता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डाउटफुल है और जो एनटीए के द्वारा इनकरेक्ट है, तो आप वो क्वेश्चन आईडी या फिर वो क्वेश्चन नंबर जो है आप जो है भेज सकते हैं, और आपके द्वारा जो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है जो हो सकता है वो भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अपने एंड से ये क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो हम लोग के अनुसार से करेक्ट है, जो एनटीए के द्वारा दिया गया, वो सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया दिया है। सो आप लोग भी उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 8448878849, सो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रिपरेशन क्लासेस एंड एवरीथिंग। इसके अलावा भी आपके पास कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।